में यहां पर एक राइट ट्राइंगल बनाऊंगा, एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, यहां पर कर दीजिए ए, यहां पर कर दीजिए बी, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ए बी सी राइट एंगल एट सी. A line through the midpoint M of hypotenuse AB. Hypotenuse AB का midpoint ले रखा है M. Midpoint है इसका M. ठीक है? A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC. BC के parallel. BC के parallel यानी कि ऐसे. BC के parallel. पॉइंट एम हो गया. इंटरसेक्ट्स एसी एट डी, ये एसी को जहां पर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को बोल दिया डी. ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है शो दैट. फर्स्ट पार्ट में देखिएगा बेटा, शो दैट D is the midpoint of AC. Show that D is the midpoint of AC. D जो है वो AC का भी midpoint होगा. हम तो इसका midpoint given है ही. तो हम ये कहेंगे ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. इन ट्राइंगल ए सी बी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी. इस पैरेलल टू बीसी, ये सब कुछ ना गिवन है मेरे को. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम एमडी, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी. D is the midpoint of AC. ये प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट. उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में मेरे को प्रूव करना है कि MD is perpendicular on AC. सेकेंड पार्ट में शो दैट एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी. ये जो एम डी है, एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये चीज शो करनी है. तो हम ये कहेंगे कि सिंस Since MD is parallel to BC, bracket में लिखिएगा बेटा given. ये given है. तो मैं ये कहूंगा कि angle BCD
प्लस एंगल एम डी सी, ये वाला एंगल प्लस एंगल एम डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल है ना, ये दो लाइंस अगर पैरेलल है तो ये वाली लाइन किस तरह से एक्ट करेगी, जैसे कि ट्रांसवर्सल हो, और उसमें पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल वाले जो दो एंगल्स होते हैं, जो एक ही तरफ वाले दो एंगल्स होते हैं, उनको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जो एक इस तरफ होता है एंगल और एक इस तरफ, उसको हम बोल देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप ये देखिएगा एंगल बी सी डी प्लस एंगल एम डी सी, तो एंगल बी सी डी तो दे रखा 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल एम डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एम डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इट इंप्लाइज दैट एंगल एम डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयर फोर एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। यही चीज प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गई, बताइए क्लियर है? एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, क्लियर है? बताइए, चले आगे। यस सर। चलिए जी, ओके। अब उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट पे देखिएगा क्या बोल रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमें शो करना है सी एम इज इक्वल टू एम ए, शो दैट सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ए की, सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ए की। सी एम का मतलब यह है कि सी से एम को ज्वाइन करेंगे, देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये हमने प्रूव कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल एम डी सी एंड एम डी ए, इन ट्राइंगल एम डी सी एंड ट्राइंगल एम डी ए, इन दो ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो MD is equal to MD common side, MD is equal to MD common side, और MDC angle MDC is equal to angle MDA is equal to 90 degree, angle MDC is equal to angle MDA is equal to 90 degree or DC is equal to DA, DC is equal to DA because D is the midpoint of AC. ये हम प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में कि D is the midpoint of AC, ठीक है? तो अब मैं ये कहूंगा कि ये बेटा ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड, तो क्या हो गया साइड एंगल साइड, ऐसे ही ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, by SAS congruence criteria, triangle MDC is congruent to triangle MDA. Triangle MDC is congruent to triangle MDA. यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को? Yes, sir. बताइए, clear है सभी को? ठीक है,
चलिए आगे चलता हूं मैं। ठीक बेटा, एक मिनट के लिए मेरी वीडियो पर है। हमारे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ये ट्रायंगल एमडीसी और ट्रायंगल एमडीए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। इनके कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से हमें क्या फायदा होगा कि हम ये कहेंगे कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। कैसे? पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या है? एमडी, और इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट एमडी। हम यहां पर लिख देंगे इट इंप्लाइज दैट एमडी इज इक्वल टू एमडी। दूसरा और तीसरा अल्फाबेट क्या है? डीसी। दूसरा और तीसरा अल्फाबेट क्या है? डीए। तो डीसी इज इक्वल टू डीए। अब पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है? एमसी। इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है? एमए। MC is equal to MA, ये हो गया। तो MC is equal to MA, मेरे काम की यही चीज है। और मैं यहां पर लिख दूंगा बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। अब हम ये कहेंगे अब हम यहां पर ये कहेंगे कि भाई इसमें एक काम किया जा सकता है कि हाँ ठीक है, तो हम भी कहेंगे सिंस एम इज द, यहां से मैंने बेटा ये लिख दिया एम सी इज इक्वल टू एम ए को मैंने लिख दिया सी एम इज इक्वल टू एम ए, इसको मैंने यहां लिख दिया। भाई ये तीनों तो बाई सी पी सी टी हो गए, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, है ना। और फिर मैंने क्या करा कि मैंने यहां पर इसको MC को लिख दिया मैंने CM पलटकर, और MA को ऐसे लिख दिया CM is equal to MA, और इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर वन। फिर हम कहेंगे सिंस M is the midpoint of AB, M is the midpoint of AB, therefore MA is equal to half of AB, और फिर मैं यहां पर लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मैं देखूंगा कि MA CM के इक्वल है, तो मैं लिखूंगा CM is equal to MA is equal to half of AB। यही मुझे प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। बताइए जी क्लियर? ध्रुव, दिव्यांशी, न्यासा, पालकी, प्रजक्ता, बताइए सभी बच्चे क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, इसी के साथ ये क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर आपका खत्म है। अब इसके बाद बता दीजिए मेरे को नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करवा दूं मैं, इसमें जो कहेंगे वो करवा दूंगा। प्रजक्ता, न्यासा, तुम्हारा तो परसों एग्जाम है, परसों के नेक्स्ट डे है ना, तुम्हारी तो कोई अगर डाउट्स वगैरह होंगे तो डाउट्स वगैरह तुम पूछ सकते हो। बाकी बच्चे बताइए, ध्रुव, दिव्यांशी, पालकी, तुम्हारा एग्जाम जो है वो बाद में है तो तुम बता दीजिए कौन सा चैप्टर करवाना है। न्यासा, कंस्ट्रक्शन कह रहे हो आप, कंस्ट्रक्शन, चलिए ठीक है, कंस्ट्रक्शन अभी तो नहीं हो पाएगा, कंस्ट्रक्शन की क्लास कर ले लेता हूँ कंस्ट्रक्शन की एक क्लास कर ले लूंगा, क्योंकि उसमें आपको उसकी जरूरत पड़ेगी जो ज्योमेट्री बॉक्स है, तो कंस्ट्रक्शन का कल पूरा कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ही करवा दूंगा।
कल की क्लास कंस्ट्रक्शन की रख लेंगे। उसके अलावा बताइए बेटा और कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। पालकी बताओ कौन सा चैप्टर है और जो लगता है थोड़ा सा टफ है पहले कर लेते हैं। मेरी आवाज तो आ रही है ना, कुछ बताई नहीं रहे उधर से। पालकी, ध्रुव, दिव्यांशी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है प्रोबेबिलिटी करवाता हूँ स्टार्ट। तो इसमें जो दे रखा है एनसीईआरटी में, ये है आपका चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी, पेज नंबर 271। प्रोबेबिलिटी का बस एक फॉर्मूला लिखेंगे आप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। मैं ये पहले पूरा मिटा देता हूं। प्रोबेबिलिटी